नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे एग्ज़ाम गुरु पे। दोस्तों आपके लिए खुशखबरी है, अभी अभी एसएससी ने मल्टी टास्किंग स्टाफ नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए मतलब गैर तकनीकी पोस्ट के लिए अभी अभी नई वैकेंसी अपडेट जारी की है। और इसके लिए आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए सिर्फ 10वीं। अगर आपके पास 10th है 10वीं है तो आप इस पोस्ट के लिए दोस्तों एलिजिबल है। तो 22/4/2019 से इस पोस्ट के लिए आप फॉर्म फिल कर सकते हैं और 29/5/2019 यह लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की। तो ग्रेड पे अच्छा है, देखिए ₹1800 ग्रेड पे है और ग्रुप सी लेवल की यह नॉन गैजेटेड लेवल की पोस्ट है। आपका पेमेंट लगभग 21,000 से ऊपर रहेगा। वैकेंसीज अभी जारी की गई नहीं है लेकिन वैकेंसी ज़्यादा है, लगभग 8,000 से ऊपर इस पोस्ट के लिए वैकेंसी आने वाली है और आपके हर एक जोन में अच्छी वैकेंसी है। रिजर्वेशन देखिए, SC ST OBC और इकोनॉमिकली जो वीकर सेक्शन है उनके अनुपात में उनको आरक्षण दिया जाएगा। उसके बाद देखेंगे एज रिलैक्सेशन कितना है। तो ओपन कैटेगरी के लिए जो कुछ पोस्ट है स्पेशलाइज डिपार्टमेंट की, उसके लिए 18 से 25 यह एज लिमिट है। और जो कुछ और नॉन टेक्निकल डिपार्टमेंट है उनके लिए 18-27 यह एज लिमिट है। 27 अगर आपकी एज है तो आप इस पोस्ट के लिए फिल कर सकते हैं, 27 के ऊपर अगर आपकी एज है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। ओपन कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए यह प्रावधान है। उसके बाद देखेंगे एज रिलैक्सेशन है। ST ST के लिए 5 सालों का एज रिलैक्सेशन है, OBC के लिए 3 सालों का, PWD अनरिजर्व मतलब दिव्यांग उनके लिए 10 ईयर का है। उसके बाद PWD OBC के लिए 13 ईयर का, PWD SC ST के लिए 15 ईयर का। एक सर्विस मैन के लिए जब उनकी सर्विस खत्म होती है उसके बाद 3 साल तक वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए इस पोस्ट के लिए, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि इस पोस्ट के लिए आपके पास 10वीं चाहिए सिर्फ। अगर आप 10th है पास है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। उसके बाद आपके पास और बड़ा कुछ क्वालिफिकेशन है तो वो अच्छी बात है, लेकिन मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर दिस पोस्ट इज ओनली 10th। हाउ टू अप्लाई, तो इस अधिकृत वेबसाइट से आपको फॉर्म फिल करना है। तो यह देखिए, यह अधिकृत वेबसाइट है SSC.NEET.IN। इस वेबसाइट पे जाके आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। Part 1 और Part 2 यह रजिस्ट्रेशन के लिए पार्ट दिए गए हैं। Part 1 के बाद आप Part 2 के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। 29/5/2019 यह लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की। अप्लीकेशन फीस है ओपन कैंडिडेट के लिए ₹100, OBC कैंडिडेट के लिए भी ₹100 है, और जो SC ST और एक्स सर्विसमैन है, पर्सन विद डिसेबिलिटीज है उनके लिए एज इसके लिए रिजर्वेशन है, एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ फी, उनके लिए फ़ी नहीं है। सेंटर जो है वो आपके ज़िले में रहेगा, आपके स्टेट में रहेगा। यह देखिए, यह पर्टिकुलर जोन है, इन सभी जोन के लिए सेंटर यहाँ दिए गए हैं, आप देख लीजिए। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन देखेंगे, यहाँ पे Tier 1 और Tier 2 मतलब 2 टायर में एग्जाम होंगी। Paper 1 रहेगा आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन और Paper 2 रहेगा आपका डिस्क्रिप्टिव इन नेचर, मतलब आपको ऐसे और लेटर लिखना है। जो आपका Paper 1 है वह 100 मार्क्स की एग्जाम है, उसमें 25 का इंग्लिश, 25 का रीजनिंग, 25 का मैथ और 25 का GK आएगा। और यहाँ पे 1/4 निगेटिव मार्किंग है, अगर आपके 4 क्वेश्चन रॉन्ग होते हैं तो आपके 0.25 मार्क्स यहाँ पे काट लिए जाएंगे। Paper 1 के बेस पे आपका कट ऑफ लगेगा और आपको Paper 2 के लिए बुलाया जाएगा। आपको वहाँ पे शॉर्ट ऐसे लेटर लिखना है, किसी भी लैंग्वेज में लिखना है जो भारतीय संविधान की अनुसूची 8 में दिए हुए है, 22 लैंग्वेज उनमें आपको लिखना है विथ इंग्लिश, और वह 50 मार्क्स की है एग्ज़ाम जो डिस्क्रिप्टिव इन नेचर है। उसके लिए आपको 30 मिनट्स टाइम दिया जाएगा और वह ओनली क्वालिफाइंग इन नेचर में है। आपका जो फाइनल कट ऑफ है वह 1st पेपर के बेस पे ही लगेगा। तो देखिए ये सिलेबस है, तो आप फॉर्म फिल कर लीजिए। अधिकृत लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके लिए शेयर की गई है। धन्यवाद दोस्तों यह वीडियो देखने के लिए, थैंक यू सो मच।